मैं हूं सिद्धार्थ कनान एके सिडके जरा हटके। और मेरे साथ है अंकित तिवारी। तुमने तुम्हारी बहन अदिति आर्या के साथ एक नया गाना किया है, तुम हर दरफा हो, और उसमें तुमने अपनी बहन को चुना हुआ है, उसके बारे में बताओ। बहुत ही हॉट बहन है तुम्हारी। ओह माय गॉड। देखो किसी भी सूरत में वो मेरी बहन नहीं है। पर मैंने नोटिस किया है कि तुमने सोनल चौहान के साथ चुम्मी ली, लिप टू लिप। होट से होट लगाए। अच्छा। 17-18 रीटेक्स थे तो इस लड़की को तुमने माथे पे चूमा, ये ऐसा क्यों? होट से होट क्यों नहीं हुआ भाई? देखो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आप सबको अच्छी तरह से, पहले भी बोल चुका हूं और मैंने तुमको ही बोला था पहले कि मैंने सोनल चौहान को एक भी पप्पी उसके होट पे नहीं की है। अमाल ने एक कमेंट कही थी कि भाई सिंगर्स को परफॉर्मेंसेस करने चाहिए स्टेज शोज में, ओपनिंग एक्ट्स करने थे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के लिए, और सोनाक्षी सिन्हा जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए। डू यू अग्री विद दैट और नॉट? ना डिपेंड, मतलब मैं पर्सनली सोनाक्षी को ऑफकोर्स नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं कभी मिला ही नहीं उनसे, बट डिपेंड करता है। यू नो आर्ट क्रिएटिविटी में कोई गेट नहीं है कि भाई यहाँ पे बंद कर दो, इससे आगे नहीं जा सकते। आर्ट किसी चीज की मोहताज नहीं है, यानी कि कोई भी कुछ करे, जिसका मन है वो सब करे। जैसे मैं कल अगर कैबरे आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तुम्हारी गोदी में डांस करना चाहता हूँ बैंकॉक में, अब्रॉड में कर सकता हूँ। अगर तुम हिट हो, तुम सक्सेसफुल हो, तो जरूर कर सकते हो। क्या बात है मेरे भाई। यार तुमने फॉरेन लोकेशंस में गाना शूट किया? हाँ मैंने शूट किया है किर्गिस्तान, जहाँ क्रिकेट खेलते हैं लोग। किर्गिस्तान बोलो? किर्गिस्तान। यस। ये कहाँ पे है भाई? रशिया के थोड़ा सा नीचे। तुम्हें वैसे भी रशियन से बहुत लगाव है। तुम दुबई भी जाते हो, सिर्फ रशियन से मिलते हो। तुम हमेशा वर्ल्ड पीस में बिलीव करते हो, थाई लोगों से, रशियन से। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता यू नो कि कलर डिफरेंस के बारे में बातचीत की जाए। यू नो रशियन बहुत गोरे होते हैं और अफ्रीकन बहुत काले, ऐसा मुझे बिल्कुल, मैं तो सबसे प्यार से मिलता हूँ भाई। तुमने कहा आई वुड लव टू सिंग फॉर शाहरुख खान, उस ड्रीम का क्या हुआ? वो ड्रीम है और अभी तक तो मैंने गाया नहीं है, बट आई विश मैं उनके लिए आगे कभी भी। देखो मेरा क्या है कि मुझे शाहरुख सर के लिए ऐसा नहीं कि बहुत सारे लाइन लगा के गाने गाने, वो विश होती है ना वो एक ही गाने में कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा पता है, ये बताओ अगेन, अमाल ने कहा था कि फिल्म अवार्ड्स आर बीइंग सोल्ड, सही लोगों को नॉमिनेट नहीं किया गया है, डू यू बिलीव इन दैट? रियली डोंट नो अबाउट दिस, मतलब अमाल पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, तो मैं तो उसको फोन करके गुस्सा भी कर दूंगा कि तुम फालतू की चीजें क्यों बोल रहे हो यार। इतना अच्छा म्यूजिशियन है, उसका अभी एक गाना आया है, मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे देखो पर्सनली ऐसा फील होता है कि जिस साल अवार्ड मिल जाते हैं उस वक्त हमें कोई भी खामियां नजर नहीं आती या कोई शिकायत नहीं होती है, जिस साल नॉमिनेशन नहीं होता है और अवार्ड नहीं मिलते उस वक्त ऐसा लगता है कि यार ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि हर साल का एक अपना हीरो होता है भाई। वो कौन सा क्रिटिसिज्म था जिसने तुमको मोटिवेट किया कि यार मैं अब और अच्छा काम करूंगा? क्या है आज के जमाने में सोशल मीडिया हो, जर्नलिस्ट हो, सब लोग कुछ ना कुछ ताबड़तोड़ बोलते हैं कि अंकित तिवारी एक ही जैसा एक ही तरह का म्यूजिक करता है। जब ऐसा कमेंट आया, डज इट हर्ट यू? यू से बाढ़ में जाए मैं दिखाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे हर्ट नहीं किया, क्योंकि क्या है यार, देखो इस इंडस्ट्री में आर्टिस्ट को एक नजर से देखने लगते हैं कि भाई एक फिल्म में एक गाना ऐसा है, क्लब गाना है, उससे करा लो, रोमांटिक एक काम करे, अंकित को बोल देना, वो कर लेता है अच्छा रोमांस, अच्छा रोमांटिक गाना कर लेता है। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि एक क्लब गाना अंकित को दो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, जब लास्ट टाइम तुम एक नाइट क्लब गए थे, तुमने वो जो दुबई में थे, तुम कहाँ थे भाई वहाँ पे? मैं वहाँ का वो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, रात में यही तो काम करता हूँ। तो जो तुमने बिल नहीं भरा था वैले का, वो कौन चुकाएगा? वैले का बिल मतलब अंदर का भर दिया था, वैले का बिल नहीं भरा था। देखो कितना झूठा आदमी था, शक्ल देखो उसकी, हंसो भाई जरा। अच्छा भाई मुझे बताओ कि क्यों नहीं भरा तुमने वो वैले का? क्योंकि अंदर सब खर्चा हो गया था। अच्छा, क्लब रशियंस पर, दोस्त तुम्हारे रशियंस पर और वो थाईस, तुम क्या बोल रहे थे, रशियन और थाईस, हाँ उस पर पूरा पैसा चला गया। तो फिर मुझे, मेरे पास पैसे नहीं बचे थे अपने कार वैले के पैसे देने के लिए, सो यार फंस गया था मैं। और आई लव दैट, ये वाली आवाज जो रशियंस के नाम पे साथ में करते हैं, 1 2 3 पे, 1 2 3। ये जो घर तुम बैठे हो, ये नहीं, ये घर मेरा पहला घर है बॉम्बे में, और कितना इसको बनाया हुआ मुझे 2-2.5 साल होने आ रहे हैं, और
खुशी होती है ना, मतलब खुद कुछ कर लिया है बॉम्बे में आके, सो आई एम रियली हैप्पी। कितने साल की स्ट्रगल के बाद ये घर खरीदा? 10 साल। माय गॉड, उससे पहले रेंट में रह रहे थे? ऑफ कोर्स। कैसा था वो रेंट वाला घर? वो मैं ऐसे घुसता था वो घर खत्म हो जाता था। ये बताओ कि तुम एक रेडियो स्टेशन में काम कर रहे थे एक जमाने में? यार ये बहुत पहले की बात है, मतलब आरजे थे क्या? नहीं नहीं, प्रोडक्शन देखता था मैं बेसिकली, जितने भी आरजेस के अपना जिंगल्स बनने हैं, म्यूजिक से रिलेटेड सब काम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अंकित तिवारी लेटेस्ट सॉन्ग, याद रखिए, बाय 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 बाय। इश्क 104.8, डू द इश्क बेबी।